हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज क्लिक मैथ्स। तो आज हम लेके आए हैं एक बड़ी सी प्रॉब्लम का एक छोटा सा सॉल्यूशन। क्या है वो प्रॉब्लम और क्या है इसका सॉल्यूशन? प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है मैथ से डर और लगता है कि मैथ बहुत ही बोर सब्जेक्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आपके बेस्ट फ्रेंड से, और जिसको मिलने के बाद आप भी कहोगे कि मैथ एक बोर सब्जेक्ट नहीं है और ना ही आपको लगेगा मैथ से डर। क्या है वो, कौन है वो बेस्ट फ्रेंड? वो बेस्ट फ्रेंड मिलेगा आपको इस ट्रिक में। तो जल्दी से हम ये ट्रिक देखते हैं और मिलते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड से। सो दिस मेथड इज डॉट मेथड फॉर सब्ट्रैक्शन। हियर यू कैन सी फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज 86 माइनस 28। तो यहां पर हम यूज करने जा रहे हैं बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड कैसे? यहां पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 8, तो आपको 8 में 2 ऐड करना है ताकि हमें 10 मिले। मींस आपको हर वन डिजिट नंबर में एक दूसरा डिजिट ऐड करना है ताकि आपको 10 मिल सके। वो दोनों डिजिट होंगे आपस में बेस्ट फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 4, तो आप 6 ऐड करेंगे ताकि हमें 10 मिले। तो 4 और 6 आपस में हुए बेस्ट फ्रेंड। है ना मजेदार कंसेप्ट? लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम्पल। Here you can see 86 and minus 28. ये method आप तभी apply कर सकते हैं जब हमारे पास जो upper number है वो less than रहे below number. Here you can see 6 is less than 8. So आपको best friend देखना है 8 का। तो कौन है 8 का best friend? 8 का best friend है 2. तो आपको 2 add करना है इस 6 में। That means 6 plus 2 is equal to 8. So we can put here 8. एक स्टेप आपको और ध्यान में रखना है, जब भी आप बेस्ट फ्रेंड के कंसेप्ट को यूज करेंगे तो आप उससे पहले वाले जो भी आपके पास टर्म है वहां पर पुट करेंगे डॉट, क्योंकि हमारे मेथड का नाम ही क्या है, डॉट मेथड। सो वी कैन पुट हियर डॉट। डॉट का मतलब है आपके पास 3। दैट मींस हियर वी हैव 8 एंड दिस इज नॉट 2 बट दिस इज 3, क्योंकि 2 प्लस 1 दैट इज 3। So we can subtract easily, 8 minus 3 that is 5. So 58 our answer. क्योंकि best friend का जो concept हमें तभी use करना है जब हमारे पास upper number less than हो below number. So next is 825 and 277. First 5 is less than 7, so we can use best friend. तो कौन है 7 का best friend? Best friend है 7 का 3. So 3 में आप 5 ऐड कर दीजिए, that is 8. Next 2 and 7, आपने यहां पर best friend को यूज किया तो हम यहां पर एक डॉट लगाएंगे। उसके बाद this is 2 and 8, तो कौन है 8 का best friend? ये आप 7 रीड नहीं करोगे, this is 8. तो 8 का best friend है 2 and 2 plus 2 is equal to 4. ये 2 हमने ऐड किया, that is 4. हमने यहां पर फिर से best friend यूज किया तो आप यहां पर लगाओगे वन मोर डॉट। नाउ 2 प्लस 1 दैट इज 3 एंड 8 माइनस 3 वी गेट 5। दैट मीन्स 548 इज आवर आंसर। है ना मजेदार कंसेप्ट? सो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, 6 माइनस 3। तो यहां पर आपको बेस्ट फ्रेंड का यूज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो हमारा अपर नंबर है इज ग्रेटर देन बिलो नंबर। सो 6 माइनस 3 इज 3। Now 2 and 7, 2 is less than 7, so we use best friend. So 7 का best friend है 3 and 3 plus 2 is 5. आपको best friend निकालना है और उस best friend को add कर देना है upper term के साथ। यहां पर हमने best friend use किया तो आप यहां पर लगाओगे dot, that means 4 plus 1 that is 5. तो यहां पर आपका है 5, तो 5 का जो best friend है वो है 5. एंड 5 प्लस 3 अगेन वी गेट 8। हमने फिर से बेस्ट फ्रेंड को यूज किया तो हम यहां पर अगेन एक डॉट लगाएंगे, दैट मीन्स 8 माइनस 1 एंड 1 2, 8 माइनस 2 वी गेट 6। दैट मीन्स 6853। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, 6125 एंड 3176। फर्स्ट 5 माइनस 6, सो 5 इज लेस देन 6। टेल मी स्टूडेंट, हु इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ 6?
Pause this video and tell me in the comment box who is the friend of 6. So 6 ka best friend hai student 4 and 4 plus 5 is equal to 9. हमने यहाँ पर best friend यूज किया तो आप यहाँ पर dot लगाएंगे. Now 2 and this is not 7, this is 8. So 8 ka best friend again 2 hai and 2 plus 2 is equal to 4. हमने फिर यहाँ पर best friend को यूज किया तो हम यहाँ पर अगेन एक dot put करेंगे. यहाँ पर 1 minus 2 है, that means जो आपके lower term है वो greater है than the upper term. तो फिर हम 2 के best friend को यूज करेंगे. 2 का जो best friend है वो है 8, क्योंकि 8 और 2 मिलकर बनते हैं 10 and 8 plus 1 that is 9. हमने फिर best friend को यूज किया तो आप यहाँ पर 1 more dot और लगाएंगे. That means 3 plus 1 that is 4 and 6 minus 4 we get 2. So this is 2949 is our answer. Thank you. Have a nice day.